हेलो बच्चों, द कॉमर्स अब यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं शिवम तिवारी बीकॉम सेकेंड ईयर में। हम लोगों ने एक बार मेहनत की, अब हम लोग अपने बीकॉम थर्ड ईयर की क्लासेस को स्टार्ट करें। तो द कॉमर्स हब का जो इस बार का बीकॉम थर्ड ईयर का रिजल्ट रहा है, आप लोग देखे होंगे कि प्राची पांडे ने अपने यहाँ से 95 स्कोर किया इनकम टैक्स में, और इसके बाद 89 का तीन चार लोगों का अपने यहाँ स्कोर रहा है, जैसे प्रिया चौधरी हो गई अपने यहाँ, और वैशाली मौर्या हो गई, आरुषा यादव हो गई, ठीक है, 84, 80, 87, 86, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद बीकॉम थर्ड ईयर के बाद अब बारी हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों की, ठीक है। बीकॉम सेकेंड ईयर में हम लोगों ने प्रॉपर मेहनत की है, अपने पेपर दे दिए हैं सभी बच्चे अपने अपने, कुछ बच्चे घर पर बैठे हैं, कुछ बच्चे फोन करें सर क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो ध्यान रखो बेटा, आपकी क्लासेस बीकॉम थर्ड ईयर की आज से स्टार्ट हो गई, और जो भी बच्चे घर हैं अब वो लोग क्या करें, जल्दी से आना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारा बीत चुका है और हम लोगों को क्या करना है, अपने सिलेबस को कवर करना है। जैसा कि अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, आपके चार सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिर दो सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन में सुटेबल लगे वो आप ले सकते हो। ज्यादा बच्चे एचआरएम मार्केटिंग लेंगे क्योंकि इसके टीचर भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड ईयर में इनकम टैक्स और जीएसटी में एक बार फिर से हम लोग अपना इस रिजल्ट को दोहराने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि न्यूमेरिकल में एक बार फिर से मैं आपके साथ ऐड हो रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग को मेनली फोकस रखना है अपने इनकम टैक्स पर। ध्यान रखो बेटा, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उन सब में इनकम टैक्स थोड़ा, मान लो जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उनको ऐड कर दोगे तब उसके बराबर इनकम टैक्स है। तो हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना है अपने इनकम टैक्स सब्जेक्ट पर, जिससे कि हमारे रिजल्ट अच्छे हों, और हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे तो हमारा फ्यूचर और करियर भी अच्छा होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखोगे, जो हमारी क्लासेज है इनकम टैक्स की, वो आपका सीए इंटर, सीएमए इंटर और बीकॉम थर्ड ईयर के जो इनकम टैक्स के बच्चे हैं उनके लिए अप्लीकेबल होगी, ठीक है। सभी टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मेरा बीकॉम का बच्चा हो, मैं इसको उसी लेवल का पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जैसे कि मैं सीए इंटर और सीएमए इंटर को पढ़ाना था, ठीक है ना। और 11वीं 12वीं में मैं उसी तरह कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने की जैसे कि मैं सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर नॉर्मली आप 11वीं 12वीं की क्लास किए हो और आप मैथ की और बिजनेस लॉ की क्लास कर लोगे और एक बार फाउंडेशन कोर्स में अवेलेबल हो जाओगे, ऑटोमेटिक आप पेपर में बैठेंगे और फियरलेस होके एकदम, ठीक है, 100% रिजल्ट का गारंटी रहेगा। तो आइए, अभी फिलहाल हम लोग एक बार फिर से अपने सब्जेक्ट में इनकम टैक्स, जो कि हमारा पहला सब्जेक्ट होगा, इसमें अपनी क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। तो द कॉमर्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीम के तरफ से मैं शिवम तिवारी एक बार फिर से आपके साथ इनकम टैक्स पर अपने क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ। अभी जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया, पहले चैप्टर में हम लोग के कुछ बेसिक हैं, जैसे अगर हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स पहले हम लोग किस पर पढ़ेंगे, टैक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानोगे टैक्स होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे टैक्स का कितना पार्टीशन किया गया, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। अगर डायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, किसके ऊपर अप्लीकेबल है, अप्लाई करने वाला कौन है, अप्लाई क्यों किया जाता है, ठीक है, पावर किसके पास है, ये सभी बातें हम लोग बात करेंगे। फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किसके पास पावर है अप्लाई करने की, किस लिस्ट में, ये सभी बातों को हम लोग अपने बैक्सी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में आज पहला लेक्चर, ठीक है। तो और सभी बच्चे ईमानदारी से प्रॉपर क्लास करने बैठेंगे, चाहे जो बच्चा ऑनलाइन का होगा वो भी प्रॉपर कॉपी पेन कलम लेके बैठ के बात करेगा, अपना क्लास लिखेगा, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल देखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चे सभी लोग अपना नोटबुक निकाल लोगे, प्रॉपर नोट डाउन करोगे, क्योंकि देखो नोट डाउन करने से और क्लास में बैठ के पढ़ने से जो इफिशियंसी आपकी जनरेट होगी वो ऑनलाइन क्लास में आपकी जनरेट नहीं होगी। अच्छा, और आज यही मैटर है कि सिलेक्शन हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करेंगे अपने क्लासेज में बैठ के क्लास करने की, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स, पहला लेक्चर हमारा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स क्या होता है, कोई बच्चा बताना चाहेगा। हाँ बताओ भाई, देखोगे जब हम बात करेंगे टैक्स की तो सबसे पहले आप देखोगे टैक्स क्या है, एक फाइनेंशियल बर्डन,
अच्छा एक बात ध्यान रखोगे, फाइनेंशियल बर्डन का मतलब क्या होता है, या आप जानोगे? जब भी आप फाइनेंशियल बर्डन की बात करोगे तो हम लोग देखेंगे, फाइनेंशियल बर्डन का मतलब होता है ऐसा बर्डन जो किसी पर्सन के ऊपर मोनेटरी फॉर्मेट में आया है ना। किसी घर में एक बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसके ऊपर मोनेटरी बर्डन या फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। किसी के यहाँ दो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होंगे। इसी तरह देखो, गवर्नमेंट जो हमारी काम कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है ना। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपने फाइनेंशियल बर्डन को हमसे रिकवर करता है। किससे रिकवर करता है? पब्लिक से। तो आइए हम लोग जानते हैं कि टैक्स क्या है। हमारा टैक्स हमारा फाइनेंशियल बर्डन है, जिसको इम्पोज करने वाला कौन है? इसको इम्पोज करने वाला है गवर्नमेंट। ठीक है, देखो कि किसके ऊपर इम्पोज करता है, ये पब्लिक के ऊपर। क्यों इम्पोज करता है? सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। यही बात मैं बताना आपको चाह रहा था। तो एक दो क्वेश्चन है, जैसे देखोगे टैक्स कौन लगाता है, पहला बात। टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? फिर टैक्स किस रूप में लगाया जाता है? फिर ध्यान रखोगे, इसका इंपैक्ट क्या है? ये सभी बातों को हम लोग यहां डिस्कस करने चलेंगे। तो सबसे पहली बात, टैक्स क्या है? आंसर देखेंगे हम लोग यहां पर। टैक्स क्या है? तो देखोगे टैक्स भाई है आपका एक फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि टैक्स का पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं? मोनेटरी फॉर्मेट में करते हैं। मान लो मेरा कोचिंग है, मैंने गवर्नमेंट को बोला भैया मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम अपना बच्चा भेजो मेरे यहाँ पढ़ ले। गवर्नमेंट कहेगा बहुत मारेंगे तुमको। बात समझ में आई नहीं? क्यों? क्योंकि उसको आप अमाउंट पेड करो, उसको अपने खजाने में दिखाना है। तो ध्यान रखोगे, इसीलिए क्या बोला गया, टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है, जिसको इम्पोज कौन करता है? कौन इसको इम्पोज करता है? इसको इम्पोज करने वाली गवर्नमेंट। जब भी बात करोगे आप गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होगी। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखो, गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल हो, सबके अपने अपने अलग दायरे। इसीलिए गवर्नमेंट में तीनों को इम्पोज कर दिया गया है। अगर कोई आदमी चालान वसूल कर रहा है, गवर्नमेंट को ही जा रहा है, वो पेनल्टी लगा रहा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ही जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे गवर्नमेंट का काम क्या है? कलेक्ट करना। बट इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है, उसका कलेक्शन कौन करती है? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो मैं यहां पर इनकम टैक्स की मीनिंग आपको नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर आपको टैक्स की मीनिंग बता रहा हूं। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट में तीनों गवर्नमेंट को इंपोज कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो टैक्स लगता है किसके ऊपर लगता है? पब्लिक के ऊपर। पब्लिक में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को करना है सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर। एक बात ध्यान रखोगे तो आप जानोगे कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है और ये सोशल वेलफेयर क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे सोशल वेलफेयर की, तो सोशल वेलफेयर में मनी का इन्वॉल्वमेंट, पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट जब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर की, तो यहां मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना। बैंक रोड पर, कंपनी गार्डन में, या जगह जगह पर जहां पर पार्क है, इस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर साइकिल स्टैंड प्रोवाइड करा दिए, साइकिलें प्रोवाइड करा दी है, एक्सरसाइज करने के मटेरियल प्रोवाइड करा दिए। गवर्नमेंट उसका कोई चार्ज आपसे लेता क्या? साइकिल का स्टेशन बनाए, साइकिल वहां निकालेंगे, 250 आपको शुरू में जमा करना है, फिर आप साइकिल लेकर घूम सकते हो। तो ध्यान रखो ये क्या है आपका, ये है आपका फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि आप साइकिल यूज करने के पहले कुछ पैसा गवर्नमेंट को पे कर रहे। तो जहां पर आप गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करते हो, वो क्या है आपका? वो है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर। जहां पर आप उसको कोई पेमेंट नहीं करते हो, वो क्या है आपका? उस पार्क में आप फ्री में जा सकते हो, आ सकते हो, जिम मेटेरियल फ्री में यूज कर सकते हो, क्या है वो आपका? सोशल वेलफेयर। कंपनी गार्डन जा रहे हो आप, आनंद भवन जा रहे हो, वहां से कुछ पेमेंट करते तभी जाते हो ना, क्या है ये आपका? इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में आपने कुछ ना कुछ रेवेन्यू डाला हुआ है। ठीक है,
अब एक बच्चा वो खड़ा कहेगा सर गवर्नमेंट में लोग चुरा लेते हैं। बेटा हम लोग यहाँ चुराने का बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ इनकम टैक्स बात करें, क्या आप हम लोग पे करते हैं, ठीक है तो ध्यान रखोगे। तो आपका आंसर मिला यहां पर कुल मिला जुला के, आंसर क्या मिला है मीनिंग में ध्यान रखोगे, टैक्स क्या है, फाइनेंशियल बर्डन है जिसको कौन इंपोज कर रहा है, गवर्नमेंट इंपोज कर रही है किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, क्यों, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स की बात करें हम लोग, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो कि ऐसा टैक्स जो इंपोज किया जाता है किसके ऊपर, किसी पर्सन के इनकम के ऊपर, ऐसा टैक्स जो किसी पर्सन के इनकम के ऊपर आप इंपोज करते हो वो क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स। मैं इनकम कमाया, मैंने अपने भाई को 1 लाख रुपए दे दिया, क्या मेरे भाई के ऊपर वो पैसा टैक्सेबल होगा, तो आपका आंसर है नो, क्योंकि वो इनकम किसने अर्न किया है, किसने कलेक्ट किया है, हमने, मेरे द्वारा अर्न की हुई इनकम है, तो उस पर टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होगा, मैं मिस्टर शिवम तिवारी लायबल हूं। आपके पिताजी आपको मंथली खर्चों को कवर करने के लिए पैसा पे करते हैं, क्या वो आपकी इनकम है, तो आपका आंसर है नो, वो इनकम किसकी है, आपके पिताजी के, उस पर टैक्स कौन पे करेगा, आपके पिताजी ना कि आप, क्योंकि इनकम किसने कमाई, उन, ठीक है। तो ऐसी इनकम जो किसके ऊपर इंपोज है, किसी पर्सन के ऊपर, किसी पर्सन के इनकम के ऊपर जिसका इंसिडेंस और इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, इंसिडेंस और इंपैक्ट उसी पर्सन के ऊपर पड़ रहा है जिस पर्सन ने उस इनकम को कमाया हुआ है। फिर ध्यान रखोगे बर्डन इसका आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, अगर आपके पापा ने कमाया है आपके पापा टैक्स पे करने के लिए लायबल है, मैंने कमाया मैं पे करने के लिए लायबल हूं, आप कमाए आप पे करने के लिए लायबल, आपके अलावा इस इनकम का टैक्स कोई दूसरा पे करने के लिए लायबल नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे इसका नेचर क्या है, ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। अब आप हमको ये बताओगे प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है, हर बच्चा जो हमारा पढ़ रहा है टैक्स द कॉमर्स ऑफ फैमिली का, वो बताने की कोशिश करेगा कि प्रोग्रेसिव नेचर क्या है। तो प्रोग्रेसिव नेचर के लिए हम लोग आएंगे देखेंगे रेट कर्व, देखोगे सब लोग देखो भाई यहां पर ध्यान देंगे आप, क्या ध्यान देंगे यहां पर, देखो टैक्स रेट दिया गया है इंडिविजुअल की बात करें किस बेस पर, एज के बेस पर, एज के बेस पर इसको कैटेगराइज कर दिए हम लोग, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। पहले में एज 18-60 जिसको हमने नाम दिया क्या, 18 से 60 वालों को आपने नाम दे दिया है नॉर्मल पर्सन। केस नंबर 2 18 से 60 वालों को आपने नाम दिया सीनियर सिटीजन, और 80 से प्रभु इच्छा वालों को आपने नाम दिया सुपर सीनियर सिटीजन। तो अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर फिलहाल एज कैटेगरी 18-60 वाले नॉर्मल सिटीजन केस नंबर 1। देखोगे अगर टोटल इनकम हमारी 2.5 लाख रुपए तक है, हम लोग किसमें आएंगे, हम लोग किसमें आएंगे, इंडिविजुअल में आएंगे। एज क्या है हम लोग की, 18-60 के बीच में आएंगे। बुढ़ा है क्या तुम, ठीक है तो ध्यान रखोगे 18 से 60 वाले में आएंगे हम लोग, 2.5 लाख की इनकम है हमारी। अगर कोई पर्सन 2.5 लाख रुपए कमाता है उसके ऊपर टैक्स रेट क्या है, 0 होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पर्सन 2,50,000 की इनकम को अर्न करता है उसके ऊपर कोई भी अमाउंट टैक्स के रूप में नहीं लगाया जाएगा। बट ध्यान रखो जैसे ही आपकी इनकम ये 2.5 लाख को एक्सीड करती है और 5 लाख रुपए तक कमाते हैं, ध्यान रखो कि टैक्स रेट कितनी हो जाएगी, 5%। कोई आदमी 2.5 लाख के दायरे से ऊपर चला जाएगा टैक्स रेट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखोगे। फिर जब हमारी इनकम 5 लाख से बढ़ के 10 लाख तक आ जाएगी, रेट बढ़ गई कितनी हो गई, 20% हो गई। फिर अब हमने 10 लाख के ऊपर कमा लिया कितना हो गया, 30%। इसके साथ साथ आपको हेल्थ और एजुकेशन से देना है, अभी हम लोग इस टॉपिक में आएंगे बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स। प्रोग्रेसिव नेचर बेटा क्यों बोला गया, क्योंकि अभी देखा आपने ना 2.5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, बट जैसे इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए एक्सीड की, 5 लाख रुपए तक आ गया, 5%। फिर जैसे ही 5 लाख की इनकम को हिट कर दिया लिमिट को 10 लाख तक, 20%, उसके ऊपर 30%, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इसका कंट्रोल मैनेजमेंट किसके पास है,
इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट का जो दायरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए इसको सेंट्रल लेवल का टैक्स बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग इसको। एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा, ये सभी बातें आप ध्यान रखोगे, आराम से सभी बच्चे को लिख लो। इसके आगे क्लास रिकॉर्ड है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट टैक्स। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का, बंद कर देना। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। जब आप बात करोगे इनडायरेक्ट टैक्स का, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसकी मीनिंग। जैसे देखोगे डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या देखा, ये किसी पर्सन के इनकम पर चार्ज किया जाता है। जब मैं बात करता हूं कई लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो ये कहा जाता है कि ये किसके ऊपर इंपोज होता है, गुड्स या सर्विस के ऊपर, तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, द टैक्स विच इज इम्पोज, ऐसा टैक्स जो इम्पोज हो रहा है किसके ऊपर इम्पोज हो रहा है, यहां पर ध्यान दोगे सप्लाई के ऊपर इम्पोज हो रहा है। ठीक है, अब एक बात और चेक करोगे यहां पर कि सप्लाई आप किसकी करते हो, या तो गुड्स की करते हो, या तो किसकी करते हो सर्विसेज की करते हो, या क्या करते हैं आप बोथ का। बोथ का मतलब क्या हो गया, आप गुड्स की और सर्विस की दोनों करोगे। मेरा एक किराने का दुकान है, मैं सामान बेचूंगा, क्या सप्लाई कर रहा हूं गुड्स। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखा हूं, सामान बेच रहा हूं, क्या सप्लाई कर रहा हूं गुड्स। बट ध्यान रखो, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, क्या प्रोवाइड कर रहा हूं सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरी, क्या प्रोवाइड कर रहा हूं सर्विसेज। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, बट हॉस्पिटल है, हम क्या प्रोवाइड करेंगे गुड्स और सर्विस दोनों। ठीक है, तो देखोगे ऐसा टैक्स जो किसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है, सप्लाई की, आप सप्लाई किसका कर रहे हो, गुड्स का कर रहे हो या सर्विस का कर रहे हो, या दोनों का कर रहे हो। ठीक, इस टैक्स का बर्डन जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसका जो अल्टीमेट बर्डन होता है वो किसके ऊपर जाता है, कस्टमर के ऊपर, है ना। ध्यान रखोगे जब आप बात करोगे बर्डन की, तो ध्यान रखोगे ये कौन है, ये प्रोड्यूसर है। पहली बार किसने पे किया, किसने पे किया, इसने सामान बेचा होलसेलर को। अब कौन पे कर रहा है, ये पे कर रहा है, बट इसके बाद सामान किसको बिक रहा है, कस्टमर को। तो लास्ट में ये बर्डन कौन झेला, बर्डन आपका झेला है कस्टमर। तो ध्यान रखोगे, इसीलिए बोला गया है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है। देखो यही बात है यहां पर, ये टैक्स आपसे डायरेक्टली लिया जाता है क्या, नहीं। सामान तो आपने खरीदा, आपने क्या कर दिया, दुकान वाले को पे कर दिया, शॉपकीपर को पे कर दिया, तो आपने डायरेक्टली पे किया क्या गवर्नमेंट को, नहीं। गवर्नमेंट इसको रिकवर करता है, बट कैसे, इनडायरेक्टली, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनडायरेक्ट। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो बता सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन जब होगा तो दो तरह का टैक्स है हमारा, एक है डायरेक्ट और दूसरा क्या है हमारा, इनडायरेक्ट। ठीक है, देखोगे डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, यहां क्लियर हो गया आपको। अब एक चीज और देखोगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, सब बच्चे देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, आ जाओ सब बच्चा, सभी बच्चा लोग देखे, देखो जब भी बात करेंगे हम लोग यहां पर, देखोगे द टैक्स विच इज इंपोज, ऐसा टैक्स जो इंपोज किया जा रहा है किसी पर्सन के इनकम पर, उसको आपने क्या नाम दे दिया, डायरेक्ट टैक्स। ऐसा टैक्स जो इंपोज किया जा रहा है सप्लाई पर, है ना, उसको आपने नाम दे दिया इनडायरेक्ट टैक्स। सप्लाई आप किसी भी कर सकते हैं, गुड्स की या सर्विस की। ध्यान रखोगे एक बात और, इसका इंसिडेंस और इंपैक्ट किसके ऊपर है, टैक्स का। अगर ऐसा कोई टैक्स है
जिसका इंपैक्ट सेम पर्सन के ऊपर है, अलग पर्सन के ऊपर नहीं, जो पर्सन कमा रहा है उसी के ऊपर पड़ रहा है। मैं कमाया मैं दिया, हमारा भाई कमाया मेरा भाई दिया, मेरे पिताजी कमाए पिताजी दिए, ठीक है। तो जो आदमी कमा रहा है उसी को जा रहा है, ठीक है। इसको आपने क्या नाम दिया? डायरेक्ट टैक्स। जब दो अलग अलग लोगों के ऊपर इसका बर्डन पड़ रहा है उसका नाम क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। मैं यही बात आपको बताना चाहूंगा। देखोगे जो किसके ऊपर लेवाइड होता है? इनकम के ऊपर। इनकम कौन कमाता है? कोई पर्सन। जो टैक्स किसी पर्सन के इनकम के ऊपर लगाया जाता है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। जो किसके ऊपर लग रहा है? सप्लाई के ऊपर, वो क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। फिर नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे पहले फ्लैट में हो, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट में हो, टैक्स रेट क्या है? जीरो। फिर बेसिक से थोड़ा ऊपर उठा, तुम 5 लाख तक कमाया, रेट क्या हो गया? 5%। 5 के ऊपर उठा, 10 लाख तक कमाया, रेट क्या हो गया? बढ़ गया कितना? 20%। ओ माय गॉड, 15% बढ़ गया। तो ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे ही हम 5 लाख के स्लैब को हिट करते हुए आगे जाते हैं, हमारा रेट बढ़ जाता है, 15% से बढ़ जाता है। और जैसे ही आप 10 लाख की इनकम को हिट करते हो, वैसे रेट क्या हो जाता है आपका? 30% हो जाता है। अभी तो मैंने आपको यही बताया है, इसके अलावा भी अभी जब मैं आपको सरचार्ज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जैसे ही आप 50 लाख की इनकम को हिट करते हो सरचार्ज आ जाता है, 1 करोड़ की इनकम को हिट किए फिर से सरचार्ज बढ़ गया, 2 करोड़ को हिट किया तुमने और सरचार्ज बढ़ गया, 5 करोड़ को हिट किया और सरचार्ज बढ़ गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया प्रोग्रेसिव नेचर। बट यहां पर ध्यान दोगे ये क्या है आपका? रिग्रेसिव नेचर का है। इसके बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, इसके बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हो। इसमें कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लीकेबल है, इनकम टैक्स रूल 1962 अप्लीकेबल है, सर्कुलर नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है जो हर साल पास किया जा रहा है, ये सब चीजें हैं। जीएसटी में क्या है ध्यान दो सब लोग, जीएसटी में क्या है? तो जीएसटी में है जीएसटी एक्ट और कस्टम लॉ, ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल इसका क्या है? इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स है, इसका क्या है? जीएसटी और कस्टम लॉ, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को वो हमको बताएगा। मैंने अभी आज तक आपको पढ़ा दिया टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने तरह का होता है और टैक्स दोनों टैक्स में डिफरेंस क्या है। अब हम ये जानेंगे गवर्नमेंट टैक्स लगाता ही क्यों है। देखे सब लोग फटाफट, यहां पर बात हो रही गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाता है ना? व्हाई गवर्नमेंट लेवाइड टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों लगाया, उसका हिम्मत कैसे पड़ गया टैक्स लगाने का, इस बात को हम क्या जानेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रहा है। गवर्नमेंट को करना है अपना क्या काम? गवर्नमेंट के काम क्या है? गवर्नमेंट के काम है कि इकोनॉमी को डेवलप करना है। गवर्नमेंट के काम है क्या है? बूस्ट करना इकोनॉमी की, है ना। ध्यान रखोगे जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है या इकोनॉमी है, इंडिया का क्या हो रहा है? अभी डेवलप हो रहा है कि नहीं? बट अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप हो गई, तो क्या करेंगे? अपने इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप है। तो देखोगे यहां पर जब गवर्नमेंट को ये सब काम करने होते हैं तो इसके लिए क्या करता है? वो रिकवर करता है टैक्स। कहां से रिकवर करता है? बात ही उठ रही, रिकवर करेगा वो इस टैक्स को फ्रॉम इंडिया। कहां से करेगा भाई? इंडियन गवर्नमेंट है, टैक्स कहां से रिकवर करेगा? इंडिया से रिकवर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? रन आउट डेवलपमेंट करना है, ठीक। अब एक बात देखो, यहां पर कुछ सवाल है मेरे, ध्यान दोगे आप लोग, सभी बच्चे इधर अटेंशन कर ले, आप सभी बच्चे लोग इधर अटेंशन कर लेंगे। देखोगे टैक्स कौन लगाता है तो आंसर कौन क्या है भाई आपका? गवर्नमेंट। जब बात ये उठेगा टैक्स कौन लगाता है, कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है। फिर क्यों लगाता है टैक्स, तो आपका आंसर है सामने ये,
उसको क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और बूस्ट करना है, इसलिए टैक्स लगाता है, ठीक है ना। फिर पावर कौन देता है टैक्स लगाने का, पावर कौन देता है भाई? तो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। टैक्स लगाने का पावर, कोई भी आदमी टैक्स रिकवर कर सकता है क्या? कोई नहीं रिकवर कर सकता। कब तक नहीं रिकवर कर सकता है? जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये पावर प्रोवाइड ना करे कि आप टैक्स को लिवाइड करो एंड कलेक्ट करो, तब तक आप टैक्स को नहीं लगा सकते। तो देखोगे गवर्नमेंट रिकवर करता है टैक्स इंडिया से, क्योंकि उसको रन और डेवलपमेंट कराना है। तो आप चेक करो, क्या चेक करोगे, क्या पावर है उसके पास, किस चीज का पावर? कलेक्शन ऑफ टैक्स, किस चीज का पावर? कलेक्शन ऑफ टैक्स का पावर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ। सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, जब बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है आपका? सुप्रीम लॉ। व्हाट इज मीन बाय सुप्रीम लॉ? सुप्रीम कोर्ट है, जैसे सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी? हमारी सुप्रीम कोर्ट है। उसी तरह देखोगे यहां पर हमारा सुप्रीम लॉ भी। सुप्रीम लॉ का मतलब क्या है? सबसे बड़ा लॉ, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? ध्यान रखो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? सुप्रीम लॉ, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल, ये क्या है? प्रीएम्बल पार्ट, ठीक, जिसको डिवाइड किया गया है 22 पार्ट में। जिसको डिवाइड किया गया कितने पार्ट में? 22 पार्ट में, जिसमें 444 आर्टिकल्स हैं। जिसमें आर्टिकल कितने? 444, और शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल। तो हमारे इनकम टैक्स को 22 पार्ट, 444 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। फिर आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265 कहता है, क्या कहता है? नॉट टैक्स शुड बी लेवाइड, है ना, कि आप टैक्स नहीं लगा सकते हो या कलेक्ट कर सकते हो। कोई भी ना तो टैक्स लगा सकता है ना तो कलेक्ट कर सकता है, कब तक? एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। ध्यान दो सब लोग, कब तक नहीं कर सकता है? जब तक कि उसके पास ऐसी अथॉरिटी ना आ जाए। किसकी अथॉरिटी ना आ जाए? कलेक्शन की और रिकवरी की, ठीक है। तो ध्यान रखोगे एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, छूट गया थोड़ा। तो कहने का मतलब क्या है? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है ना। इसको 22 पार्ट्स, 444 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल नंबर 265 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन, है ना, नो टैक्स शुड बी लेवाइड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई अथॉरिटी के अलावा ना तो आप टैक्स लगा सकते हो ना कलेक्ट कर सकते हो। तो भाई ये अथॉरिटी हमको प्रोवाइड कौन करता है? हमको प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग, जब बात करेंगे मनी और फंड की, है ना, तो देखो कि गवर्नमेंट के पास पावर है ना। गवर्नमेंट के पास पावर है होगा तभी वो टैक्स लगाएगा और पैसा रिकवर करेगा। इसके अलावा भी वो पैसा कहां ले सकता है? पैसा उसका कहां से आता है? देखोगे तीन जगह से। गवर्नमेंट का इन सब के अलावा कहां से आता है? देखोगे यहां पर तीन जगह, ठीक है। गवर्नमेंट के बिजनेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी जितनी भी है, रेलवे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, फिर एनटीपीसी, ओएनजीसी, एलआईसी, ठीक है, बीएसएनएल, ये सब क्या है? गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। गवर्नमेंट यहां से जो भी पैसे की अर्निंग कर रहा है वो अपना यूज कर रहा है, ठीक है। पायरेंस पब्लिक है, टैक्स रिकवर कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर लोन ले सकता है, वो कहां से ले सकता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो यहां तक ध्यान रखोगे, अब उसके आगे की बात यहां तक आ गई कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है पावर इंडिया को, आर्टिकल नंबर 265 अभी आपको बताया। तो ये बात चेक करोगे कहां पावर दे रहा है, वो पावर उसने दिया इस 7 शेड्यूल में, और पावर को डिवाइड किया किसके किसके बीच? इसके लिए तीन लिस्ट बनी, पहली
दूसरी और तीसरी। तो लिस्ट नंबर वन है आपका यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर टू है आपका स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट नंबर थर्ड है आपका कंकरेंट लिस्ट। अब आप ध्यान दोगे यहां पर, जब आप बात करेंगे किसकी बात करेंगे, यूनियन लिस्ट की, तो देखोगे ये क्या करता है, ये डील करता है, इट डील द मैटर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं उसको कौन डील करेगा, यूनियन लिस्ट। ऐसे मैटर जो किससे रिलेटेड हैं, स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट से रिलेटेड है, उसको कौन डील करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट लिस्ट, या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर को स्टेट लिस्ट कवर करेगी, ठीक। फिर ध्यान रखोगे अगर मैटर रिलेटेड हो सेंट्रल और स्टेट दोनों का, तो उसको कौन डील करेगा, कंकरेंट लिस्ट डील करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ऐसे मैटर जो दोनों लिस्ट से रिलेटेड हो, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, इट इज गवर्न बाय दी कंकरेंट लिस्ट। अब थोड़ा और देखो, यहां तक पहले नोट कर लें सब लोग आराम से। अब सभी बच्चे नोटिंग करेंगे, ठीक है, जिनको क्लास पसंद आ रहा है वो लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें क्लास को, ठीक है। नोट्स आप लिखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा, आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, और भी और फायदे रहेंगे आपके, आप हो सकता है हमसे अच्छा कंटेंट तैयार कर लें, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखोगे जब हम लोग बात करें, कहाँ की बात करेंगे, कहाँ करेंगे, देखो सब लोग, जब बात करोगे यूनियन लिस्ट की, तो यहां लॉ कौन बनाता है, केवल पार्लियामेंट, है ना। जब बात करोगे आप कहां तक बनाता है, आर्टिकल नंबर 245 कहता है पूरे इंडिया में बना सकता है ना। आर्टिकल 245 क्या कह रहा है, पूरे इंडिया बना सकता है, इंडिया किसी पार्ट में बना सकता है। अगर आप ध्यान दो, आर्टिकल 370 अप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर में, ये किसने अप्लीकेबल किया था, ये अप्लीकेबल किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। जब बात स्टेट के मैटर की हो, तो देखोगे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट असेंबली, कहां तक बना सकता है, पूरे स्टेट में या इस किसी स्टेट के पार्ट में, ठीक है। जब देखोगे कंकरेंट लिस्ट की बात होगी, तो रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों मिलकर रूल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो पार्लियामेंट को प्रायोरिटी दे दोगे, बट ऐसा मैटर जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, अगर वहां पर गवर्नर ने अपना ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया है, तो ध्यान रखोगे स्टेट लॉ प्रिवेल कर जाएगा। तो ध्यान रखोगे जब बात होगा कंकरेंट लिस्ट का, दोनों मिलके रूल रेगुलेशन बनाएंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल हो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो ध्यान रखोगे पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी सेंट्रल के मैटर में, बट स्टेट का मैटर होगा गवर्नमेंट का कंसेंट प्रोवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है हमको इन सब बातों को। यहां पढ़ोगे आप लोग कुछ नोट, नोट में देखोगे दिया एंट्री नंबर 82 दिया ना भाई, इसका लिस्ट वन क्या कह रहा है, ये कह रहा है चार्ज कर सकते हो आप टैक्स किसी भी इनकम पर, बट वो एग्रीकल्चर इनकम ना हो, है ना। देखोगे एंट्री नंबर 82 लिस्ट वन का कह रहा है आप किसी भी इनकम पर चार्ज कर सकते हो टैक्स, बट वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम ना हो, क्योंकि ध्यान रखोगे ये पावर किसको मिला हुआ है, लिस्ट टू को मिला हुआ है ना। ये क्या बोला, लिस्ट टू जो है आपका 46, एंट्री नंबर 246, ये बोला आप किसी भी इनकम पर टैक्स लगा सकते हो, चाहे वो, सॉरी, ये इसके पास ये पावर है कि क्या कर सकता है, एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकता है। जैसे भी देखो दही हो गया आपका, है ना, या ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी लगा दी गई, ठीक है। तो यहां तक हमको बातों को ध्यान रखना है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 7th शेड्यूल है, इसने 3 लिस्ट डिवाइड की, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। ऐसे मैटर जो कि किससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको कौन डील कर रहा है, उसको डील कर रहा है यूनियन लिस्ट। ऐसा मैटर जो किससे रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन डील कर रहा है, स्टेट लिस्ट। ऐसे मैटर जो सेंट्रल के साथ साथ
स्टेट से रिलेटेड है, वो कौन डील कर रहा है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों मिलकर। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के दशा में पार्लियामेंट सेंट्रल के मैटर में अगर गवर्नमेंट कंसेंट प्रोवाइड कर देगा तो स्टेट भी, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं यहां पर, देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, है ना, जो टैक्स लॉ आप पढ़ रहे हो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करता है भाई? इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसकी दो बॉडियां हैं, पहली बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जिसको शॉर्ट में सीबीडीटी, दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जिसका शॉर्ट में नाम है सीबीआईसी, ठीक है। ये कह रहा है जो सीबीडीटी है ये ऐसे मैटर को डील करता है जो किससे रिलेटेड होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं डायरेक्ट टैक्स से। ऐसे मैटर जो इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम से रिलेटेड होते हैं वो कौन डील करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखोगे आप। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके दो भाग हैं सीबीडीटी और सीबीआईसी, है ना। डायरेक्ट टैक्स के मैटर कौन डील किया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के मैटर कौन डील किया? सीबीआईसी, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहीं से देखोगे ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है किसके अंतर्गत काम करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1963। देखोगे सीबीडीटी डील करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स, वेयर एज मैटर रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उसको कौन डील करता है? सीबीआईसी, ठीक है। यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं। अब यहीं पर बात हुई थी इनडायरेक्ट टैक्स में और डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये सारा बेसिक मैटर था जो मैंने आपको बताया, क्लियर कराया, जिसमें मैंने आपको बताया कि देखो टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस क्या है, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में, ये सारी बातें हम लोगों ने आज की बेसिक लेक्चर में अपनी, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या, ये अभी हम बेसिक से भी लोअर लेवल पर, है ना। पावर किसने दिया टैक्स लगाने का, ये सारी बातें हम लोग क्या किए आज की, ठीक है, अपने पहले क्लास। अब आज आप लोग इन सभी चीजों को क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड बेसिक क्लास में, ठीक है। तो आज की बात हमारी यहीं तक है। अच्छा, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप क्या करें, अपने क्लास को देखें, पढ़ें, और अगर हो सकता है आपको सही लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, ठीक है। तो द कॉमर्स हब की तरफ से सबको टाटा एंड बाय।